अगर आप भी कनाडा में स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कनाडा में अप्लाई करने से पहले आपकी सोच एक ही चीज पे आके अटकती है कि कनाडा में कॉलेज में अप्लाई किया जाए या फिर यूनिवर्सिटी में, और उससे भी इम्पोर्टेंट किस कोर्स के लिए अप्लाई किया जाए। तो कोर्स चूज करने के लिए आपको अपने करियर गोल्स और एस्पिरेशंस को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई भी हो, बस वो DLI अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करना चाहिए और कॉलेज को क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटीज आपको काफी ट्रेडिशनल एकेडमिक प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर आपको मास्टर्स करनी है, रिसर्च प्रोग्राम करना है, PhD प्रोग्राम्स करने हैं, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो। हालांकि यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है यूजुअली एक्सपेंसिव होती है, यानी कि वो एज कम्पेयर टू कॉलेज उसकी जो ट्यूशन फीस वगैरह है वो ज्यादा रहती है। ये काफी बच्चों का एक मेन कंसर्न हो सकता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो सक्सेसफुली अपना बिजनेस, मेडिसिन या जो भी उनका करियर गोल रहता है उसमें सक्सेसफुल होने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। ऑन द अदर हैंड बात करें अगर कॉलेजेस की, कॉलेजेस यूजुअली प्रोवाइड करते हैं 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम, 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम या फिर 3 to 4 ईयर्स की डिग्री। यूनिवर्सिटीज के कंपेरिजन में इसकी ट्यूशन फीस थोड़ी कम होती है, इसीलिए ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस रहती है। ये कोर्सेज ज्यादातर प्रैक्टिकल एंड करियर ओरिएंटेड में वैल्यू रखते हैं। कनाडा में स्पेशलिटी प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, आपको इस तरीके के प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराना जिसके जो इन डिमांड स्किल्स हैं उसके ऊपर काम करके आपको इंडस्ट्री में आपका अच्छे से करियर बन सके। ये कोर्सेज जो होते हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल हैं जिनका जो फोकस है वो जल्दी से जल्दी स्टडी कंप्लीट करके अपने आप को मेन स्ट्रीम में सेट करना रहता है। ये काफी लो कॉस्ट होते हैं, इसके साथ साथ इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि इनका जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी है वो कम रहती है। अगर आप भी कनाडा में किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एनी कोर्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद स्पेक्ट्रम ओवरसीज। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से फोन उठाकर कॉल कीजिए और अपना कनाडा में स्टडी वीजा अप्लाई कीजिए। फॉर मोर सच वीडियोस जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।